सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। जाऊँ का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। मैं पाई जावा बल पे बल, यहोवा मेरा मेरे बल। मैं पाई जावा बल पे बल, यहोवा मेरा मेरे बल। मैं पाई जावा बल पे बल, यहोवा मेरा मेरे बल। मैं पाई जावा बल पे बल, यहोवा मेरा मेरे बल। भूखा पावा गुटा विच आसमान दे, उन्हें मैनू खंभ दिते ने ईमान दे। भूखा पावा गुटा विच आसमान दे, उन्हें मैनू खंभ दिते ने ईमान दे। फता दे नारे लौंदे दल, यहोवा मेरा मेरे बल। फता दे नारे लौंदे दल, मैं पाई जावा बल ते बल, यहोवा मेरा मेरे बल। मैं पाई जावा बल ते बल, यहोवा मेरा मेरे बल। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आइए तेरी राह पर सब कहें प्यार, प्यार से कहीं आज, गुस्से से नहीं, प्यार से कहीं, बोलो मेरे खुदा। विश्वास के साथ कहीं आज, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। सब लोग अपनी आंखें बंद करके गाएं लाइन, सुनो। आप संसारिक आंखों से नहीं देख सकते परमेश्वर को। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, आज छूना चाहते हैं। आप सरकारी आंखों से नहीं देख सकते, मैं सरकारी आंखें कहूंगा आपकी, आपकी सरकारी आंखें हैं जो इससे आप नहीं देख सकते। आपकी आंखें बंद हो और फिर से ये लाइन गाओ, आपकी आत्मिक आंखों से आज दर्शन होंगे आपको यीशु मसीह के। मेरा तू ही है, फिर से कहूं विश्वास, सारा मेरा तू ही है। आनंद आएगा जो लोग आज इस समय, सारा मेरा तू ही कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर
चलता रहूं विश्वास के साथ कहे मेरे खुदा फिर से कहो तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके बोलो बोलो तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके अपने परों में तू परमेश्वर को बताओ इस गीत के अंदर आज मिले ले मुझे वो आपको ढूंढना चाहता है अपने परों में वो आपके दर्द को लेना चाहता है आज मिले ले मुझे तसल्ली तेरी बाहों में तेरे किसी दे हाथों में तसल्ली तेरी बाहों में मेरे किसी दे हाथों तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सच में आज परमेश्वर आपकी आंसुओं को पूछने वाला है आपकी आंखों को देख रहा है वो हालेलुया कितने लोग आनंद चाहते हैं आज परमेश्वर का आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज बहुत सारे लोगों के घर आनंद आएगा लेकिन इस समय आनंद को लेना पड़ता है क्या आप आनंद ले सकते हैं नहीं नहीं कुछ लोग रो रहे हैं कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कुछ लोग चिंता में हैं लेकिन जब आप परमेश्वर के घर आए हैं आपका एक एक आंसू परमेश्वर की नज़र में कीमती है yes, yes. आपका आना यहाँ पर व्यर्थ नहीं है वो लाइन में यही बात कर रहा है फिर से कहूँ सहारा मेरा तू ही गए कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके कोई आपके दर्द को दूर नहीं करेगा अपने परों में तू शिफा पाहों में ले ले मुझे अपने परों में तू शिफा पाहों में ले ले मुझे तसल्ली तेरी बातों में तेरे किसी के हाथों में तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही सीधे हाथों में तालियों के साथ तेरी राहों पर चलता रहूं हाय मेरे खुदा ऊपर तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है ऊपर मेरा तू ही है मेरा तू ही है मैं तेरी राह पर चलता रहूं तेरे खुदा जितने बोल रहे हैं उनके घर आनंद आ रहा जी आत्मा से बात रहे उनके घर आनंद आ रहा मैं कहां जाऊं तेरी आत्मा से मैं कहां जाऊं सहारा मेरा तू ही है फिर से कहें मेरा तू ही कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मैं
जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो अपने परों में तू शिफा, बाहों में ले ले मुझे अपने परों में तू शिफा, बाहों में ले ले मुझे अपने हाथों को उठा ले, बाहों में नाचते ले इसी के हाथों में, तसल्ली तेरी बातों मैं तेरी राह पर चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं तेरे खुदा, तेरी राह पर आनंद आएगा हाथों पर मेरे, आनंद आ जाए आपके हाथों पर अपने चेहरे पर खुदा, हाथों को उठाएं। शाबाश पवित्र आत्मा जी, समय मेरे पिता परमेश्वर जो लोग आज गा रहे थे कि मैं तेरी राहों पर चलता रहूं परमेश्वर, मेरे प्रभु आज इनके हाथों पर पवित्र आत्मा वो आशीष आए मेरे पिता, मिलियन मिलियन आशीष आने पाए मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लाखों लाखों आशीष आपकी होंगी आज के बाद, विश्वास करना आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। याद रखना कि आनंद आता नहीं, आनंद को लेना पड़ता है। आज परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं आज बहुत सारे लोगों के घर पर आनंद को भेजूंगा। आमीन। एक गवाही आएगी इस हफ्ते के अंदर, आपके चेहरे आनंद से भर जाएंगे। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को पता आनंद क्या है? मैं देवानंद की बात नहीं कर रहा हूं, आनंद को पता है कि नहीं? हालेलुया। कह रहा आपके चेहरे पर जब स्माइल आती है, ऐसे नहीं, जब आपकी गवाही बनेगी आपके चेहरे पर आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो आनंद लेना पड़ता है, पहले आपको अपनी बॉडी में रिसीव करो आनंद। याद रखना पौलुस को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं तेरे को वो अनॉइंटिंग दूंगा, अगर कोई तेरी बॉडी को भी छू लेगा, तेरे कपड़ों को भी छू लेगा, वो आनंद से भर जाया करेगा। बोला हालेलुया। आनंद आएगा, कह रहा आपके हाथों पर आज आनंद आएगा परमेश्वर का। Yes. आपके चेहरे पर आनंद आएगा, आपके बिजनेस में आनंद आएगा, आपकी हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम जी जे आर एस के एम एन पी से, ये भविष्यवाणी 3.5 महीने बीतने के बाद करा आपके घर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी का आनंद लेकर आएगा। डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, हमें मेरा हाथ है। ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, ना डरूंगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं? किधर? अभी सुनना आपको, जिधर मैं हाथ करूं उधर घुमाना है। आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको आनंद आएगा आज। Yes. फिर से ये लाइन गाएंगे, फिर से राइट साइड। ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है। कई लोगों को बहुत जल्दी है, पादरी से भी पहले। बोल हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मेरे हाथों में सामर्थ है। आज जो मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं,
वो करोड़पति हो जाएगा। यस आमीन। प्रॉफिट विजेंद्र का नाम मालगाड़ी है, सुन रहे हो? बहुत लोग आते हैं मेरे पास गवाहियां देने के लिए, आनंद आ जाता है उनके घर में। हमारा क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको आनंद मिलेगा। कितने लोग इस गाड़ी में बैठना चाहते हैं? बैठना चाहते कि नहीं? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आजा मेरी नाव में बैठ जा। उनको नहीं पता वो माल गाड़ी थी, हालेलुया। और वही किश्ती 153 मछलियों से भर गई थी। आप समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं मालगाड़ी में बैठूंगा। अगर आपको विश्वास है, करा इस चर्च, ये चर्च आपके लिए मालगाड़ी बनने वाली है। आमीन। ट्रेन में सफर नहीं करा रहा हूं आपको मैं, जहाजों में सफर नहीं करा रहा हूं, उसमें पैसे लगते हैं। मालगाड़ी में सफर भी करो और निकाल कर भी ले जाओ, हालेलुया। हम एटीएम मशीन है, पता ना एटीएम मशीन, लेकिन जब पैसा नहीं निकलता लोग एटीएम मशीन पे लात मारते हैं, निकल नहीं रहा है। जब काम नहीं बनता तो लात मारते हैं, ये देखो बटन दबाया पैसा बाहर। अब विश्वास करना है, आपकी जुबान में पैसा रखा है, आपकी जुबान में पॉजिटिव जुबान में चंगाई रखी है। yes. पॉजिटिव जुबान में आपके अंदर ताकत है। yes. पौलुस के चेले जो हैं वो, उनके ऊपर अनॉइंटिंग आ गई थी, वो प्रार्थना नहीं करते थे किसी के लिए, वो सिर्फ रुमाल लगाते थे, और जिसके ऊपर रुमाल लगाते थे उसके अंदर आनंद आ जाता था। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे सप्लायर बनाकर भेजा है आपको करंट देने के लिए। मैं हर संडे, हर वीरवार आपको एक करंट देकर जाता हूं कि ताकि आप हर हफ्ते जवान रहें, हर हफ्ते आनंदित रहें, हर हफ्ते आप शैतान से लड़ते रहें। डोंट वरी, कहते कि आज जो लोग मुस्कुरा रहे हैं और आनंद कर रहे हैं इस हाथों के साथ, उनके हाथों पर मिलियन मिलियन आशीष आने वाली है यीशु के नाम में। फिर से कहें मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हेलो, ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, हाँ में मेरा हाथ है। ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। ना डरूंगा, यीशु जो मेरे साथ है। ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तुझे पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे पिता, अपनी परेशानियों को पवित्र आत्मा जी इस वर्शिप के अंदर मेरे पिता सच में इन्होंने गाया बजाया और तुझे जो बातें सुनाई हैं पवित्र आत्मा जी, आज तूने सुना है। तूने कहा मेरे कान बहरे नहीं होंगे, मेरे कान सुनते हैं। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ आज अपने कानों को खोल और प्रभु मेरी कलीसिया की प्रेयर रिक्वेस्ट को ले ले आज यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने मांगा इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज इस समय जो हाथ उठाकर पश्चाताप कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी अपनी गलती गुनाहों के लिए, मेरे प्रभु इनके हर एक अपराध को क्षमा कर परमेश्वर, और ये कलीसिया दिन रात बढ़ती चले जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस बढ़ते चले जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए परमेश्वर। जो कोई जेल में आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो बंधन में आज परमेश्वर छुटकारा पाए, जो बीमारी में आजाद हो जाए, हर आशीष इनकी हो इस हफ्ते के अंदर। मैं उन एंजलों को स्वर्ग से बुलाता हूं यीशु मसीह के नाम में और आदेश करता हूं कि जाओ इनके पास, ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में इनके कामों को बना कराओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आनंद मिला अभी, जब मैंने जो मैंने कहा उसको रिसीव करो, स्माइल देकर बोलो यस आमीन। आपको क्या चाहिए? आपको किसी को डीलर बनना है, किसी को एजेंट बनना है, किसी को ऑफिसर बनना है, वो बात अपने हाथों को उठाकर बोलो, मैं कैच करने के लिए बोल रहा हूं। ये लो, हालेलुया 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 आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। आप दो बार मेरे साथ करेंगे सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब
बोल रहे हैं सिट डाउन। सारे बोले हालेलुया। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हैं? स्टैंड अप। फटाफट फटाफट तीन बार करेंगे। सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। अब आप नहीं उठेंगे, अब आपका बिजनेस उठेगा यीशु मसीह का। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, अब आपकी गवाहियां बाहर आएंगी। विश्वास कर रहे हैं? ये मैंने क्या कराया अभी? कई बार उतार चढ़ाव आते हैं हमारी जिंदगियों में। हम हमारा बिजनेस कभी बैठ जाता है, कभी उठ जाता है, कभी बैंक में आगे एक महीने पैसा ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, आज से तुम्हारे घर आनंद रहेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं? आनंद रहेगा। बैठ जाओ आप। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इधर से उधर तक पीछे तक कह रहा हूँ कि आनंद से भर जाओ। आमीन। भर गए आप? लेकिन ये दो पति पत्नी कैमरे के पीछे छुप कर बैठे हैं। कम हेयर, तुम्हें देख रहा हूँ मैं, ग्रीन सूट देखो। यस, हाँ हाँ हाँ, निकल कर आओ बाहर, दौड़ कर, शाबाश, निकल कर आओ, निकल कर। सुनो, सारे बोलो हालेलुया, 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 आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शांत हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया। हाँ हाँ, बेटे सामने खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, दोनों आप दोनों क्या लगते हैं एक दूसरे के? पति पत्नी। पक्की बात है? पति। सुनो, हाँ कोई बात नहीं, ध्यान सुनना है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों को आनंद मिलेगा। अभी सब लोग हंस रहे थे, लेकिन ये नहीं हंस रहे थे, आनंद नहीं ले रहे थे। मैंने मेरी नज़र नहीं पड़ती है, स्वर्गदूत जाते हैं। स्वर्गदूतों ने कहा इनको आगे बुलाओ। मैं सही कह रहा हूँ? यस। सब हंस रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप चिंता में बैठे हो। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। दिल्ली, दिल्ली, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? दिल्ली। तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है बहन। तो कई बार टूट चुकी है, बहुत रोती है घर पे बैठकर। मैं देख रहा हूँ, एक बाढ़ आई, पानी भर गया, मकान टूट गया। यस यस पापा, यस यस। परेशान है तू उस बात को लेकर? किराए के मकान में रह रही है तू? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस। कितने दिन की बात है ये? अरे अभी डेढ़ महीना हुआ है बस। तारीफ करें जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप परेशान थे इस बात के लिए? आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरे पर दया कर, मेरा घर बना दे। पैसा नहीं है आपके पास? नहीं। हाँ, तू क्या सोच रही है? प्रॉफिट बजिंदर देगा? सही में आज मैं तुझे चेक काट के दूंगा। हालेलुया। ये दुखी है बेचारी बहन। आत्मा ने मुझे कहा, ओए मेरा चेक लेके आओ, नकली वाला चेक लेके आओ मेरा। अबे घन चक्कर में इधर देख रहे, चेक कहाँ है मेरा? कोई भी तो दो, अपना दे दो, तुम्हारे खाते में से निकाल लेंगे। लेके नहीं आए, इसको बाद में मिलाना मेरे से। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। सुनो, प्रभु आपसे प्यार करता है। सारे बोलो, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। लेकिन इसके नीचे वो भी, ऊपर भी, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है। सही कह रहा हूँ? yes, yes, yes. बिना पंखे वो ऐसी टीन है, बिना पंखे के भी सो जाते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही। एक फैन का नाम देख रहा हूँ मैं, आज से वो फैन तेरे घर में चलेगा। ऊषा। yes, नाम है इसका, ऊषा। Hallelujah, 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 Hallelujah,
वैसे मैं कंजूस पादरी हूँ, कभी किसी को 10 रुपए नहीं देता, लेकिन मैं तेरे को दे रहा हूँ, जो मैं दूँ ले लियो। इसका मतलब क्या है? मेरे धन में आशीष है, कीड़ा नहीं है। जो लोग मुझे देंगे आज, वो मैं तुझे दूंगा। सुन रहे हैं? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? सारे बोले हालेलुया। चलो जो भी हम पूछ लेंगे भी प्रभु से बात कर लेंगे। हालेलुया। लोग बोलते हैं ऐसा कि ये लोग पैसे देते हैं, लेकिन नहीं, आज इसके इसके बारे में प्रभु ने मुझे बोला और मेरा दिल भर आया। बोला हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं उसका जन हूं और मैं कहूंगा आपका मकान बनेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं आप? यस यस पापा। मेरे से पैसा चाहिए कि भविष्यवाणी चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, मुझे चंगा कर दो, मुझे कुछ नहीं, जो मेरा यीशु करेंगे वो होएगा, मैं यीशु के चलाई चलूंगी। क्या हुआ, क्या परेशान? अभी आपका कितना बड़ा घर था? 50 गज का है। 50 गज का? हाँ जी। टूट गया? हाँ। अब कहाँ रह रहे हो? अभी हम पड़ोस के घर में रह रहे हैं एक में, मतलब उन्होंने बोल दिया किराया लेंगे वो थोड़ा बहुत, जो बनेगा थोड़ा बहुत किराया लेंगे। सो अभी परमेश्वर ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ वो मेरी चिंता करता है, मेरे लोगों की चिंता करता है। आप इस चर्च में जुड़े हुए हैं, आप आए हैं क्या? फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? सेकंड टाइम? नहीं, थर्ड टाइम। साल हो गए आती रहती हूं मैं। 1 साल हो गया है? हाँ जी। अभी होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं इसी समय ब्लेसिंग दूंगा, आज से तेरे पति के ऊपर मैं उस सामर्थ को छोड़ता हूँ जो धन कमाने वाली सामर्थ आएगी यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो? 3 महीने के अंदर बहुत सारा धन तो कमाएगा। तेरे कंधों पर आएगा अब इसी समय, और इसी समय वो शत्रु को लगेगा, दुष्ट को जिसने आपको ऐसा बर्बाद किया, परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। वो जादू टोने, वो ब्लैक मैजिक जो आपकी पत्नी के ऊपर किए गए, अब वो बंधन टूटेंगे। वो स्किन एलर्जी जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आज के बाद पढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, वो बनेगा। सुनो, आपके बच्चे को कितनी उम्र है? उसका कितना उम्र है? मेरे 3 बच्चे और एक बेटा मेरा 18 साल का है। पढ़ता कौन है? तीनों पढ़ते हैं। एक बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, यूपी में है कुछ? यूपी में था, अब वो खत्म हो गया। बेटा मैं जो बोल रहा हूँ, दोबारा से उसका कार्ड बनाओ, दोबारा से उसका सब कुछ बनाओ और उधर फॉर्म भर दो। समझ में आया? लेकिन यूपी में अभी तो कुछ, अरे सब नकली चलता आजकल, इंडिया ये चाइना नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, समझ के। सारी बातें मैं ही नहीं समझाऊंगा, आपको सुनना है। जो कह रहा हूँ वो करो, आपको नॉलेज दे रहा हूँ। भविष्यता का मतलब होता है कि दिशा दिखाना। मैंने आपको दिशा दिखाई, मर्जी आपकी है, जाना या नहीं जाना है। ठीक है, आप नहीं वहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे के सिर्फ डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। समझ रहे हैं? एक कागज पर मैं लिखे देख रहा हूँ, जिस घर में, जिस जहाँ दुकान में आप काम करते थे या कहीं कुछ चलाते थे, उमेश। यस, मेरा नाम कौन है? मेरा नाम, तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या काम करत रहे? खराद का काम। खराद का? सारा काम खराब ही करेगा तू। किसके यहाँ पे करते हो? है? किसके यहाँ पे करते हो? है एक ख्याला में फैक्ट्री है उसमें। मुझे कैसे मालूम? आप जिसके यहाँ पर काम करते हो, मैं वहाँ उमेश नाम लिखे देख रहा हूँ एक रजिस्टर में। आपकी एंट्री हो रही है, आपके साइन हो रहे हैं, सैलरी मिल रही है, अब से डबल सैलरी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे कामों की आपकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है। आप घर बनाएंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी। एक स्नेक तुझे तंग करता है, रात को ड्रीम्स में तुझे डसता है, तेरे पीछे दौड़ता है, इसी समय वो निकल रहा है। मेरे हाथों की तरफ देख और निकल जाए। आउट, निकलो, चलो। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, चीख और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से, चलो इसी समय बाहर। आउट, आउट, निकलो, इसके घर को, परिवार को छोड़ दे, इसके शरीर को छोड़ दे, इसकी बॉडी को छोड़ दे, चलो इसी समय निकल आओ, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। आ गए यहोवा चोरावर किया।
फायर और फेज निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ यीशु मसीह के नासरी के नाम से इसी समय इसके सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूं इसको फ्री यीशु के नाम में गया फ्री यीशु के नाम में इसी समय आज से धन वाली सामर्थ्य इसके घर में काम करे यीशु मसीह के नाम में एंजल जाए इसका बर्बाद किया हुआ जो भी है फिर से आबाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में ये फिर से आबाद होगी चलो बर्बाद करने वाली आत्मा निकलो गोल गोल घूमेंगे हम गोल 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 और तेज 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 इसके मस्तक से वो शराब टूट जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में फ्री आमीन ले जा अपनी लला को चंगी होगी तेरी लला ओए उमेश हालेलुया 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 आमीन मसीहा तेरे लिए मेरी जान दे है पिता तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान तुझको रू में समा लिया है तुझको तू मेरा प्रिय है तू मिति है तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ए यीशु को है तूने यीशु लहू से मोल लिया तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु हालेलुया पासी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये भाई अपने बच्चे की गवाही दे रहे हैं कि एक्सीडेंट के कारण इसका लेफ्ट शोल्डर है जो फ्रैक्चर हो गया था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस बच्चे को डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा और कुछ लंबा इनका खर्चा आएगा लेकिन भाई बता रहे हैं मैं विश्वास के साथ चर्च में आया और स्पेशल बीज बोकर जैसे ही लेहन प्रेयर करवाई यहां से वापिस क्या रिपोर्ट करवाई बता रहे वो हड्डी जुड़ चुकी है परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ कर दूंगा मैं किसी को छोड़ूंगा कभी तेरी कर दूंगा चार के लिए छह को जय मसीह पापा जी को भी जय मसीह हमारा ये गवाही है ये मेरा बेटा है इनके
ये खेत जा रहे थे और इनकी गिरने से हड्डी टूट गई थी हाथ की, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इसको पट्टा बांधा और इसके लेहन प्रेयर करवाई हमने यहाँ आके, वो इसको बोला कि ये हाथ टूट जाएगा अब ये नहीं जुड़ेगा ऐसा बताया डॉक्टर ने। तो हम चंडीगढ़ चर्च आए और ये लेहन प्रेयर करवाई, स्पेशल बीज बोए, ये बिल्कुल शंगा हो गए हैं। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, परमेश्वर की महिमा करें। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर लूंगा, मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, बस ये सारी गवाहियां ये बता रहे कि कॉइन मीटिंग वाले दिन मीटिंग अटेंड करने के लिए आए और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया कि जो आप मांग रहे हो आपको मिलेगा आज। ये बता रहे हैं, कोई गाड़ी मांग रहा था, कोई बाइक मांग रहा था, कोई घर मांग रहा था सालों साल से, लेकिन जैसे ही मीटिंग अटेंड करके घर गए परमेश्वर ने इंतजाम किया और ये घर के साथ और गाड़ी के साथ बेस हो चुके हैं। जब ना किसे तो खोया पिता जो आनंद सुने, जब ना किसे तो खोया। हालेलुया, यस, दोबारा से सेम गवाहियां। आज कितने सोच रहे हैं और विचार बना रहे हैं अपने माइंड में आज कि परमेश्वर हम भी ब्लेस होने वाले हैं, हाउ ठाओ जो रिसीव कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर है और जो इस सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करता है उसके घर में आज सुपर नेचुरल आशीषें आने वाली हैं। यस, आप देख रहे हैं कि इनको घर लेना चाहते थे काफी समय से, कार व्हीकल प्लॉट लेना चाहते थे, उन्होंने रिसीव किया प्रोफेसी को, स्पेशल बीज बोकर प्रेयर करवाई, रेंड प्रेयर कराई और परमेश्वर इनको घर से ब्लेस करा। 5 साल से घर बनाना चाहते थे, घर बन गया। 20 साल से कार लेना चाहते थे, कार आ गई। परमेश्वर आशीष खोले जा रहा है, जो लोग लेहन प्रेयर करा रहे हैं परमेश्वर के दास में परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया, वो सुपर नेचुरल पावर जिसके जीवन में आएगी आज साद हो गई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो आनंद ये सुने जब ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद ये सुने, अपने हाथ उठा कर एक साथ ना किसे तो खोया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, हालेलुया। बस ये भाई बता रहे हैं कि फादर के ऊपर कुछ टाइम पहले फ्रॉड कोर्ट केस हो गया था और झूठा केस किसी ने कर दिया था और बता रहे मेरा पूरा परिवार उस केस के कारण बहुत प्रॉब्लम में हो गया था। विश्वास के साथ जैसे ही चर्च में आया और यहां पे लेहन प्रेयर हुई इस भाई की और घर गया, बता रहे मुझे मंडे मॉर्निंग को मैसेज आया वो कोर्ट केस से बिल्कुल आजाद हो गए। जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, खुदा वो तेरा छू लेना, जिंदगी बदल देता है। सभी को जय मसीह की। मेरे फादर के ऊपर फ्रॉड कोर्ट केस हो गया था, मैं यहाँ आया प्रॉफिट जी से फ्री लैंड कराई और घर जाते ही मुझे पता लगा कि हमारा कोर्ट केस खत्म हो गया है। कितने आजाद होना चाहते हैं कोर्ट केस से, जोर से महिमा करेंगे परमेश्वर की तालियां बजाकर। जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, तब तेरा छू लेना, जिंदगी बदल देता है, तू तब तेरा छू लेना, जिंदगी बदल देता है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात
चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम में तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम में तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम में तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम में तो काम देखो, 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 चुपचाप तुम खड़े रहो। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, शाबाश, जोर से तारीफ करें परमेश्वर। क्या परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं? शाबाश, चढ़ाएं आज, आज परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाएं। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसी समय ब्लेसिंग दे। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश सब। हाँ हाँ, गवाही के साथ हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये। भाई बता रहे, काफी टाइम से इटली के वीजा के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था विश्वास के साथ। ये बता रहा है, मैं स्पेशल लेह प्रेयर करवा के जब यहां से गया और मेरा इटली का वीजा आ चुका है, मैं ब्लेस हो चुका हूँ। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच बंदड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच बंदड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच। जय मसीह की। मैंने मार्च में अपने इटली का फाइल लगवाई थी, वो मई में निकल गई और उसके बाद मेरे को अपॉइंटमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही थी। मेरी मदर जी ने पासपोर्ट पे एनॉइंटिंग ऑयल लगाया और लैंड ले हैंड प्रेयर करवाई और उसके बाद 25 तारीख को मेरा वीजा आ गया। हालेलुया। आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच बंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच बंगड़े भी पाया करो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस गवाही पर? हाँ हाँ, खड़े रहने दे। कहाँ से आए बेटे, कहाँ से आए? मैं हरियाणा से जी। हरियाणा से आया, कैसे मिली आशीष? स्पेशल ले एंड प्रे करवा के। आप सुन रहे हैं, इसने स्पेशल ले एंड प्रे कराया और आज इटली के वीजा के साथ है। अभी आप सुन रहे थे कि एक भाई ने भी स्पेशल ले एंड प्रे कराया, उसके डैडी को कोर्ट केस से छुटकारा मिल गया। एक और बता रहा था, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, हड्डी 2 दिन में जुड़ गई। हालेलुया। मैं फिर क्या कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, क्या जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि प्रार्थना कराने के बाद, चर्च आने के बाद परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है, अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो कोई कर्जे में है, बीमारी में है, जिसके पास बच्चा नहीं है या किसी भी कैरियर बन नहीं पा रहा, बर्बाद हो रहे हैं आप, आपको लग रहा है शायद बिल्कुल बेकार है, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को आ जाना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, ले हैंड प्रे करा के देखना एक बार। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलो एक बार ले हैंड प्रे करा के देख, तेरे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुना। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है कि इसके बच्चे दानी में 15 साल से रसोली थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर जब ये चर्च में बहन आई, इसने स्पेशल बीट बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई और बता रही है कि ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। हाँ, सुनेंगे बहन की गवाही, सुनेंगे। शाबाश। जय मसीह की। पापा जी, सारी कलीसियों को जय मसीह की। 15 साल से मेरे रसोली थी, बहुत परेशान थी, ऑपरेशन को बोल दिया था, यहाँ आई, बीज बोया, ले प्रे कराई, मैं चंगी हो गई यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की जय। कहाँ से है बेटे आप? चंडीगढ़ से पापा जी आई हूँ। चंडीगढ़ से पापा जी? बच्चे भी नहीं है मेरे। बच्चे भी नहीं है? नहीं पापा जी। तो बताया ना अभी, छुट्टी मार के ले हैंड कराऊ ना, आपको क्या प्रॉब्लम थी पहले बताओ। रसोली थी पापा जी। आप, खुशखबरी आपके लिए, जब बच्चेदानी में रसोली होती है बेटे, और वो निकली कैसे? लैंप पे नहीं कराई, स्पेशल बीज बो के। तो दोबारा तेरे को फिर क्या करना पड़ेगा? तू खुद समझदार है। पापा जी बहुत लोग बोलते हैं बच्चे के लिए, मुझे उल्टा सूत्र। चल आ जा फिर तू इधर आ जा, शाबाश, आज तेरी फ्री लैंड कर देते हैं, चल आ जा। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना। हालेलुया।
इसकी, देखो बेचारी रो रही है और बता रही है कि इसको देखो बच्चेदानी में रसोलियां गिल्टियां गांठे बताई गई, और जब ये ले हैंड प्रे करा के गई रसोलियां गिल्टियां गांठे गायब हो गई। क्या करता आपका पति, क्या करता है? डिलीवरी का पिज्जा डिलीवरी करते हैं पापा जी। पिज्जा डिलीवरी करते हैं? हाँ जी पापा जी। बस तू मेरे लिए एक पिज्जा ले आ, बाकी तेरा काम हो जाएगा। हाँ जी पापा जी, जरूर ले आएंगे पापा जी। हालेलुया। ठीक है, वैसे मैं खाता नहीं हूँ पर किसी के लिए लेके जाना है। हाँ पापा जी, जरूर लेके आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। सब हाथ बढ़ाओ, शाबाश। पक्की बात है? हाँ जी पापा जी, प्रॉमिस लेके जरूर आऊंगी। पक्का लेके आएगी? बहुत बोलते हैं लेके कोई नहीं आता। चल मेरा जन्मदिन आ रहा, ले आइयो। हाँ पापा जी, लेके। ठीक है शाबाश, जन्मदिन तक पक्का? पक्का प्रॉमिस। आज क्या तारीख है? 27। मेरा जन्मदिन कब है, कब लाएगी? कब लाएगी? जन्मदिन पे लाऊंगी। हाँ क्या तारीख है जन्मदिन मेरा? 10। ये तेरे सब तेरे साथ हैं। हालेलुया, लेकर आना। ठीक है, पक्की बात है? हाँ जी पापा। तो फिर 10 तारीख को ही करा लियो। आंख बंद कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा लाली, तेरे भी ले एंड प्रे करूं क्या, तेरा ब्याह हो जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे परमेश्वर इस बेटी के लिए कि सच में जब इसने ले एंड प्रे कराया, इसकी रसोलियां गायब हुई और ये गवाहें रिपोर्टें लेकर आई है परमेश्वर साथ, तेरा धन्यवाद करता हूं। और आंख बंद कर, और इसी समय परमेश्वर इसी समय इसके घर पर आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पूरी दुनिया इस चमत्कार को देखे, प्रेग्नेंट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसके पेट पर हाथ रखता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं कि ये तेरा ही काम है परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जाओ, गुड न्यूज मिलेगा। हालेलुया। हा 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 हा। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये दोनों गवाहियां किडनी स्टोन की है। ये बता रहे कि सालों साल से इनको किडनी स्टोन था, इस माता को भी और भाई को भी। बता रहे विश्वास के साथ ये हैंकी मीटिंग वाले दिन मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में आए, और इन्होंने ये तो रिपोर्ट लेकर आए हैं साथ में, और इन्होंने ये रिपोर्ट लेकर आए हैं साथ में, और इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। और बता रहे इनकी सबकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। हो मुक गए, मुक गए, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गए, मुक गए, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, लोग कैसे धूमधाम से नाचते हुए खुशखबरी के साथ आते हैं, आते के नहीं, लाइन लगी है गवाहियों की। किसी का वीजा आया, किसी की रसोलियां गायब हुई, किसी को बच्चे मिले। हाँ हाँ बेटे बताएंगे, शाबाज कहाँ से आए? हम यूपी से आए हैं। सबको जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। मेरी मम्मी को एक साल से निमोनिया था और रसोली पथरी थी, सॉरी। हाँ। और वो सारी ये नंटिंग और वाटल देने से सारी रसोली और निमोनिया धुआं बन के उड़ चुका है। सारी कलेसिया को जय मसीह की। ओ मुक के मुक के मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक के मुक के मुक गई। ये मैंने सुना यूपी वाले बहुत अच्छा नाचते हैं। इधर क्या तेरी माँ के सास है? माँ चल इधर आ, यूपी वाली इधर। कहाँ से आई तू? ऊना जिला से। हाँ चलो नाच के दिखाओ। चलो शाबाश। हो मुक के मुक के मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक के मुक के मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। बोलो बीमारी आधी रात मुक गई, रात मुक गई, बीमारी आधी रात मुक गई। बोलो मुक गई, मुक गई, मुक गई, बीमारी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, बीमारी आधी रात मुक गई। हालेलुया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा नाचते तू। हाथ मिला मेरे से। चलो परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। जाए 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 शाबाश। देखो रिपोर्टों के साथ आए हैं, पथरी की रिपोर्टें हैं इनके पास, और आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल आजाद कर दिया, आफ्टर बिफोर। ये देखो नॉर्मल, ये पवित्र आत्मा है। हाँ हाँ जाए जाए शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट। कहाँ से आए आप? बिहार से आया हूँ। बिहार से कहाँ आए हो? बिहार से पापा जी जय मसीह। पहले बताओ कहाँ आए हो, क्यों आए हो?
मेरा गवाही है पापा जी हाँ। कि मेरा एक साल से पथरी था हाँ। मैं स्पेशल लैंड कराया हाँ। मेरा पथरी धुआं बन के उड़ गया। स्पेशल लैंड कराया? यस पापा जी। फ्री वाला तो नहीं कराया? नहीं पापा जी हाँ, फ्री वालों का वैसे पथरी कम निकलती है फ्री वालों की। सारे बोलो हालेलुया। जो स्पेशल बीज बोते हैं तो स्पेशली काम करेगा परमेश्वर आपके लिए आज। यस करेगा कि नहीं? यस। देखो बिहार से आज का दिमाग खराब नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्पेशल लैंड पर कराए, एक साल से परेशान हो रहा था, कितने दिन में पथरी निकल गई? एक महीना ना पापा जी। एक महीना भी नहीं लगा। हालेलुया। मुक के मुक की मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। हा हा हा। नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रही है कि एक साल से इसके लंग्स में टीवी हो गया था और जब इसने यहाँ से यूज किया एनेंटिंग और वाटर विश्वास के साथ, और ये बहन बता रही है कि एक साल का टीवी जा चुका है, रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है। बीमारी से क्यों डरूं, से क्यों डरूं। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरे लेफ्ट साइड में लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने जब पानी निकाला तो उसमें टीवी आया था। डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने दवाई खाना है। मैंने 6 महीने दवाई नहीं खाई, 3 महीने ही खाया। उसके बाद प्रे टावर पे कॉल कराया, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज़ किया और मैं हील हो गई। देखो आपके सामने छोटी बात नहीं है। कहाँ से आए बेटे आप? मैं दिल्ली से आई। ये दिल्ली से आई है और बता रही है, कह रहे कि मैंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बता कर जाते हैं। आपको विश्वास करना है, अगर आप मिल नहीं पाते हैं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था आज से 7 साल पहले कि जिस चीज़ पर हाथ रखेगा मैं उसमें मिराकल किया करूँगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हर संडे नया तेल और ये पानी अनॉइंट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और वो सौंप, आप जिसको स्किन एलर्जी है, कोई कैंसर है, पथरी है, रसोली है, मैं कह रहा हूँ लेकर देखो आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी दोनों गवाहियां बहुत बड़ी है। ये बहन बता रही है इनको 3 साल से यूटरस में सिस्ट था और इस माता को 5 साल से। बता रही मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आया, और मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन विश्वास के साथ जब मैं स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रेयर करवा कर गई, मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है और ये बहन भी आजाद हो चुकी है। मैं जिसी को शूलूंगा तली तली कर दूं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ बताएंगे, शाबाश। कहाँ से है बेटे? यूपी से आई हूँ। बोल की यूपी से। पापा जी के जय मसीह की। हाँ हाँ सारे कलीसिया को जय मसीह की। जल्दी बोल। मेरे रसोली थी वो निकल गई। इधर डर क्यों रही है? आगे को आजा, डर क्यों रही तो यूपी की? हाँ सुनो बेटे, हाँ माइक करा के। आपको रसोलियाँ थी, कब से थी? 3 महीने से थी। तो कैसे? डॉक्टर ने बोला हाँ कि तुम्हारे गांठ हो गया, बच्चे नहीं हो सकते। शादी हो गया तेरा? हाँ जी पापा जी। अच्छा तो अभी बच्चे नहीं हो सकते, डॉक्टर बोल रहा है। रसोलियाँ निकल गई? निकल गई पापा जी। तो अब तो गुड न्यूज़ है, जब रसोलियाँ होती हैं तब बच्चा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। डॉक्टर मैंने ऑयल वाटर लगाया, निकल गई। ऑयल वाटर लगाया, देखो रसोलियाँ गायब होगी, लैंड पर कराया, रसोलियाँ गायब होगी। अभी बच्चे की आशीष चाहिए आपको? यस पापा जी। हाँ ठीक है, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। हाँ जाए जाए, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट। कहाँ से आए बेटे बताएंगे? शाबाश। चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से आए? हाँ हाँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? यूट्रस में रसोली थी। आपके यूट्रस में रसोलियाँ थी? कैसे ठीक हुए? स्पेशल बीज बोके ले हैंड प्रेयर। जोर से बोलो। स्पेशल बीज बोके ले हैंड प्रेयर कराई थी। ये थोड़ा वॉल्यूम कम है आपके। हाँ बोलो बेटे। स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई थी। स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई इसकी मम्मी ने और वो रसोलियाँ गायब होगी। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है पहले वाली और ये अब वाली रिपोर्ट है। रसोलियाँ ले हैंड प्रेयर कराने के बाद चौथी गवाही सुना रहा हूँ, ट्यूमर कैंसर वाली रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। दो दो तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनको 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उन्होंने स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई और विश्वास के साथ एनेंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया और ये बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से आजाद हो चुके, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं किसी को सुनूंगा से इतर कर दूंगा। मैं किसी को सुन रहे हैं आप कि बहुत बड़ी गवाही है कि कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो जाती हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? इन्होंने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, ले हैंड प्रे कराया, आज आप अपने मुंह से गवाही देंगे। हाँ शाबाश।
हालेलुया। हाँ जोर से बोलो हाले। शाबाश, दम लग रहा है। फिर से बोलो हाले लुया। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। नेक्स्ट गवाही बताएंगे। हमारी गवाही, हम 5 साल हो चले हमें प्रॉपर अपनी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, आज 5 साल करीब हो चुके हैं हमें, और हमारी गवाहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये गवाही हमारी अद्भुत गवाही है। पापा जब भी हमारी हमें पता लगा कि ये ब्लड कैंसर हो गया तो पापा हम यही कहते, डोंट वेरी, ये कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। फिर भी हम आते रहे और रेगुलर पापा हमारी लेहड प्रेयर करते रहे और ऑन्टिगोल भी यूज करते रहे, और आज हम बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। इस जोर से तारीफ करें। बीमारी से क्यों डरूं, चचाली से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। आप देख रहे हैं रिपोर्टें उनके पास हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। किसी को शक हो तो, कैंसर के पेशेंट को जल्दी से आराम नहीं मिलता। ये भाई ने 2-3 बार ले एंड प्रे कराया, हर बार पूछता प्रोफेट जी मैंने कहा डोंट वेरी, हमारा मेंबर भी है। मैंने कहा जिसकी तू सेवा करता है वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो सुनता है, आप जो बीज बोते हैं वो देखता है, आप जो ले एंड प्रे कराते हैं, आप परमेश्वर के कामों में दिल खोलते हैं, आप हर संडे अपने पैसे खर्च करके, टिकट खर्च करके आप यहाँ पर बैठते हैं, उसका हिसाब परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपके सामने है, परमेश्वर के लिए कुछ भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा आपकी जिंदगियों में, जो आपने किया है। ये टाइम भी कीमती है, ये परमेश्वर नोट कर रहा है। कितने लोग मिडनाइट प्रेयर में शामिल होते हैं हर संडे, उनके लिए मैं देख रहा हूं बंद पड़े दरवाजे खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठे गीत गाओ, आंखों से पर्दे। जोर से तारीफ करें। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, गवाही। हालेलुया प्रॉफिट जी, अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन बता रहे हैं, ये बहन अपनी बेटी को जब यहाँ लेकर आए थे, इसे संगलों से बांध कर लेकर आए थे, आपने लाइव में प्रोफेसी किया था इसके लिए, इसे खड़ा करके कि ये पागल है, और ये बता रहे थे ये तोड़ फोड़ करती है, ये पागल है, कोई बात नहीं मानती, और जिस दिन से आपने ले हैंड प्रेयर किया आज बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ, आंखों से ताले बजाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। हाँ जोर से तारीफ करें। शाबाश। हाँ बताएंगे, गवाही बताएंगे। कहाँ से आए आप? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से, आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश कितनी दूर है, और कहाँ से आइए? मेरे पास नेपाल से, आसाम से, गुजरात से, अहमदाबाद से, दूर दूर से लोग यहाँ पर चंगाई लेने आते हैं। यह अनॉइंटिंग प्लेस है, आप विश्वास करें, आप यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे चर्च। हाँ जी हाँ जी, गवाही बताएंगे। शाबाश। ये जो 2019 से मतलब प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत मेडिकल में किया, मतलब कोई डॉक्टर बोलते पागल है, कोई बोलते मिर्गी बीमार है ना, तो उसके बाद मुझे कोई किसी ने बताया पोर्टपेट की आप जाके देखिए उधर थी, अरुणाचल पे जितने भी प्रार्थना करने देते सब पास्टर पास्टर इसको हर किसी को मारते रहते, इसलिए मैंने यहाँ पे रोज उसको बांध के रखना पड़ता है जब भी प्रार्थना करते समय, इसी समय आपका यहाँ पे प्रार्थना करके गए थे, उसके बाद हमने टेस्टिमोनी नहीं दिया, नहीं देने का वजह से फिर 3 मंथ के बाद फिर मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, फिर वो पैरालाइज अटैक आ गया, तो पैरालाइज अटैक आने के बाद हमने फिर प्रार्थना किया, फिर पोर्टपेट के पास ही लेके जाओ बोले, उसके बाद हमने फिर पिछला महीना 30 को यहाँ पे आया था, तो हमने तो किसी ने मुझे बताया था कि थोड़ा दिल में दाऊद थी, मतलब मेरी ना पहले हमने बीज बोया उसके कारण प्रोफेसी ने पोर्पेट ने हमें बुलाया है, तो पिछला 30 में मैंने फिर बीज बोया, चलो इस बार भी बुलाते हैं कि नहीं देखते हैं बोल के, फिर बैठती मतलब पैरालाइज था, चल भी नहीं पा रहा था, तो हमने वो लास्ट में जहाँ पे बीमारी लोगों को रखते वहाँ पे रखा, तो पोर्पेट जी ने आके बोला पवित्र आत्मा आ रहा है, सब आप हाथों को ऊपर रख के पवित्र आत्मा पर टच करेंगे बोले, उसके बाद बेटी ने खुद सो रही थी, वो पैरालाइज थी पूरा, कुछ हाथ भी नहीं हिल पा रहे थे, फिर वो जबरदस्ती उठ के ऊपर तरफ देखा तो उसी समय वो जमीन पे गिर गए, गिरने के बाद फिर वो उठने लगा, उठ के दौड़ने लगा, उसके बाद मुझे बोला मम्मी पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं दौड़ रही, खुद दौड़ के जा रहे, उसके बाद फिर उसने ताली बजा के बोला यीशु में चंगाई मिल गई, मुझे चंगाई मिल गई बोल के, अभी इसलिए मैंने प्रोफेशन देने के लिए आए। थैंक यू जी।
बंधनों को तोड़े यीशु का मसीह, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीह, यीशु का मुझको है शुगर, तो मसीह यीशु का मुझको है शुगर, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीह, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीह, मसीह की जाओ अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलो यहां पर पागल भी चंगे होते हैं। दो तीन औरतें बैठी हैं यहां पर, अपने पति को पागल बोलती हैं, वो ले आना उनको चर्च में। मैंने क्या कहा, नीचे बैठ जाओ, पागल भी चंगे होते हैं यहां पर। दो तीन औरतें हैं, वो बोलती हैं पागल है मेरा पति, और मुझे पता है वो हाथ नहीं उठाएगी। हालेलुया। विश्वास करना, यहाँ पर हर बीमारी का इलाज है, उसका नाम यीशु मसीह है। बिलीव करना है आपको, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज आशीषें लेकर जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरा नंबर है, फिर से बोलो आज तेरी बारी है, आज तेरी बारी है। बोलो विश्वास से कहो आज हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ सुनेंगे। हाँ शाबाश, वीडियो सुनो, वीडियो सुनो। हाँ वीडियो लगा, वीडियो दिखा फटाफट माइक कर। हाँ हाँ सुनो, जो भी जिसको भी सुनेंगे ध्यान से, अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई लड़की है जिसको बॉस बांध कर रखना पड़ता है, चंगल से बांध कर रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है, यहाँ पर इसको पकड़ के रखना पड़ता है, बांध कर रखना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, कोई ऐसा जन है, कोई है यहाँ पर, कोई बहुत दूर से है, जैसे आसाम 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 आसाम, या बहुत दूर दूर से कहीं से, उत्तरांचल अरुणाचल मैं से देख रहा हूँ, कोई है तो इसी समय परमेश्वर फेवर करना चाहता है, फेवर करना चाहता है। कोई है, कैमरामैन मुझे दिखा दिख नहीं रहे, हाँ लाइट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई बहन है यहाँ पर और उसे बांध के रखना पड़ता है, ये बहन बता रही इसकी बेटी है और उसे बांध कर रखना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कोई पति पत्नी है यहाँ पर, HIV भी है उसको, सामने आए मेरे होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा, सिर्फ दो पति पत्नी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में बताया गया कि उसको बांध कर रखना पड़ता है। ये खड़ी है आपके सामने, बैठिए कि नहीं, उसको पकड़ के लाए, बांध के लाए, और ये आज आवाजें लगा रही हैं, कह रही हैं हम बीज बोकर गए और हमें इस लड़की को खुद आवाजें सुनाई दी कि मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। बेटे क्या नाम है आपका? नानंग। क्या नाम है? नानंग। नानम। नानंग। नाना। नानंग। नाना, ठीक है, आज से तू सबका नाना। कम हेयर। हाँ स्कूल जाते हो? कॉलेज। कॉलेज, हाँ, अभी परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री कर दिया, अपने हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से, बोलो बंधनों को तोड़े यीशु का मसीह, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीह, यीशु का मुझको है शुगर, यीशु का। देखा आपने कि ये संगलों से बांध के, कपड़ों से बांध के रखना पड़ता, तोड़ फोड़ करते, उधर के सारे पास्टर भी बोलते ले जाओ इसको वहीं ले जाओ, डॉक्टर भी बोलते ले जाओ उसको वहीं ले जाओ, आपके सामने फ्री होगी यीशु मसीह के नाम में। yes. अगली बारी आपकी है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। yes. हाँ जी, हाँ जी, शाबाश शाबाश, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाहियां, लाइन लगी है सालों साल से, बता रहे हैं बेटा नहीं था, बच्चे नहीं थे इनके पास, लेकिन जैसे ही यहाँ पे चर्च में आए मीटिंग अटेंड करने के लिए, और बहुत सारे है, बता रहे हैं कि आपने इनको आगे बुलाया, उनके लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने सबको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लम्बी बाँह करके, सारे तालियां बजाओ लम्बी बाँह करके, लाइए 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 लाइए, गौत वांगू गौत वांगू नाचे जो ओते नाम की बड़ा दरे आज, गौत वांगू नचे नचे ओते नाम की महिमा करिए, आरी 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 आरी, यसुदेया यसुदेया लोका दी पस यसु, यसुदेया लोका दी पस यसु मसीह, आरी बोलो बोलो यीशु मसीह की।
आपको बता रहा हूँ जो इस गवाहियों में खुश हो रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देखो लाइन लगी हुई है। हालेलुया, क्या आप खुश हैं इस गवाही से? Yes. क्या आप मेरे साथ नाच सकते हैं इस बात के लिए? Yes. ये सरदार नहीं नाच रहा, नहीं सर, बोले हालेलुया, हालेलुया। देखो इनके घर में खुशियां, मैं बता रहा हूँ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ, लेकिन पहले हम नाचेंगे क्योंकि बच्चे बहुत सारे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, मेरा भला हो जा। सारे बोले हालेलुया, विश्वास करेंगे। हालेलुया, तो इतनी लेट अभी इसी समय प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ, कौन कौन, कौन कौन मेरे साथ है? साथ है, फिर से क्या? राइए 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 बहुत बांगो बहुत बांगो बहुत बांगो नच नच के ओ दे नाम की महिमा गाइए बहुत बांगो नच नच के ओ दे नाम की महिमा गाइए कभी गाया करो कभी गाया करो कभी गाया करो ये सुना विच पंगड़े भी पाया करो ये सुना विच पंगड़े भी पाया करो सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो तो नचना कमाल होवेगा तो नचना कमाल होवेगा जदो यीशु दा जलाल होवेगा जदो यीशु दा जलाल होवेगा हालेलुया सारे बोला हालेलुया हालेलुया कौन कहता है प्रॉफिट बजिंदर को नाचना नहीं आता मैं अपने जन्मदिन पे दिखाऊंगा लाइव वालों टिकट कर लो बुकिंग कर लो बुकिंग अभी से अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में सब लोग बैठ जाएं शाबाश एक छलांग लगा के बैठ जाओ उनको भी बेटे हो रहे हैं नई गाड़ियों की आशीष मिल रही है नए घर की आशीष मिल रही है चर्च बोलो आमीन आमीन मैं फिर कर रहा हूँ जो आनंद लेते हैं दूसरों की गवाहियों में सबसे पहले एंजल उनके घर जाते हैं आपने देखा कई लोगों को जो लोग जलते हैं दूसरों से अड्डा मुंडा बाहर चला गया लड्डू रख देते कर दे बाहर समझ रहे हैं जो कार ले आते हैं ना मिठाई खिलाने गए हो कभी पड़ोसी को उसका चेहरा तो देखा ना लड्डू भी खा रहा होगा और चंद्रराम की तरह यूं कर रहा होगा हालेलुया आपको कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग विश्वास करना जब आप खुश हुए हैं शामिल हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपके घर आनंद करने वाले स्वर्गदूत आएंगे yes. आपके घर भी लड़ियां लगेंगी यीशु मसीह के नाम में हाँ हाँ स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे हाँ कितने साल से बच्चा नहीं था 8 साल से कहाँ से आया आप यूपी से यूपी से 8 साल से बच्चा नहीं था कैसे मिली आशीष ये यूट्यूब पे देखा था फिर हम भाई भविष्यवाणी की हाँ जी कि यहाँ आए थे नहीं यहाँ आए थे आपने अक्सर की थी नवंबर में करी थी ले हैंड प्रे की थी बाहर देखो कह रहे ले हैंड प्रे की और 8 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली नेक्स्ट 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 हाँ हाँ सोनिया कहाँ से आई तू जींद से हैं हाँ मुझे पता जींद कहाँ है पास्टर जी को जय मसीह की सभी कलीसिया को जय मसीह की पास्टर जी मैं आपने नाम लेके प्रोफेसी किया था पास्टर जी कि कोई बात को मैं सोनिया एस नाम वाले और सोनिया नाम वाले को बेटे की ब्लेसिंग मिलने जा रही है कितने साल से बच्चा नहीं था 3 साल से बच्चा नहीं था प्रोफेट और अभी क्या बेटा हुआ तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह का जय आनंद यीशु हां भाई नेक्स्ट 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 आ गया फटाफट छाव इधर ले आ टोकरी पूरे पपीते छपीते ले आ जावा 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 ओ भाई साहब थोड़ा नीचे तो शाबाश चल वहां रख दे शाबाश हाँ हाँ जल्दी 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 बताएंगे कहाँ से आए बेटे आप हम दिल्ली से आए हैं दिल्ली से हाँ बलजीत नगर से हाँ कैसे मिली बेबी बॉय की आशीष हम ऑनलाइन पर देख रहे ऑनलाइन पर देख रही थी है, हाँ। और उसको आशीष मिल गया नेक्स्ट 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 फटाफट हाँ कहाँ से आए बेटे ये देख ओए इधर देख पहले बीच में छोड़ रही है उसको हाँ 8 साल से किसको बच्चा नहीं था लड़की के तुम्हार लड़की को कहाँ से आए आप बिहार से छपरा जिला बिहार छपरा जिला से आए और अभी कैसे आशीष मिली दुबेर प्रे करवाया स्पेशल ले हैंड प्रे कराई थी आपने हाँ। देखो बता रही है कि 8 साल से बच्चा नहीं था इसकी लड़की को बिहार छपरा जिला से आई है और इसने स्पेशल ले हैंड प्रे कराया पैसे मत बता कितने दिए थे चुप हाँ तेरे जैसे इनकम टैक्स की रेट बढ़वाते सुन 5 साल से क्या 10 दे दिए होंगे 20 दे दिए होंगे 8 साल से बच्चा नहीं था और 5 महीने
कह रहे इसकी लड़की को हो गए प्रेग्नेंट है आज यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ पापा जी को जय मसीह की। मैं संगम में दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम बिट्टू है। 9 साल से मेरे पास बेटा नहीं था। अरे मैं कितने साल से 9 साल। कहाँ से आया? संगम बिहार दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ। कैसे मिली आशीष? पाम संडे को आई थी पापा जी, तो आपने बोला जैसे बेटे की जरूरत है वो आगे आए, तो मैं आगे आई थी। और मेरे यूटेस में गांठ भी बताई थी। जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं गांठ से भी आजाद हुई और 5 मंथ में प्रेग्नेंट हूँ पापा जी। आज ये भी प्रेग्नेंट है। कौन है? चाया करो, कदे चाया करो, कदे आया करो, कदे चाया करो, ये सुना भी जो पंगड़े भी पाया करो। हालेलुया। दिल्ली से आई है, रिपोर्टे साथ लाई है भाई साहब। ये देखो रसोलिया निकल गई है, इसके नाम लिखा हुआ है और ये भी रिपोर्ट इसकी है और ये प्रेग्नेंट है 5 महीने से। स्पेशल ले एंड प्रे कराया। हाँ नेक्स्ट, कहाँ से आए आप बताएंगे? रामपुरा पंजाब से। पंजाब से? पंजाब से। हाँ कितने टाइम से बच्चा नहीं था? ए बेटी कोड़े जी 6 महीने बच्चा नहीं सी होया। 3 साल तो। हाँ जी, ए भी 2 बारी बच्चा गिर गया सी। हाँ जी, ते फिर साडे कोल आए। साडे कोल असी आए जी, असी ले एंड प्रे कराई। स्पेशल वाली कराई? हाँ जी स्पेशल कराई। मैं दसिया कर रहा माड़ी जी गल कराई सी। हाँ जी स्पेशल वाली ले एंड प्रे कराई। अपने पड़ोसी को चुटी मारा, बोलो तू भी करा ले। एक हफ्ते बाद बेटी प्रेग्नेंट हो गई। कह रहे के देखो स्पेशल ले एंड प्रे कराने के बाद कितने हफ्ते के बाद? एक हफ्ते के बाद लगते हो डैडी? भाई कर जी डैडी लगते हो? हाँ जी शाबाश। अनार लाए हो तुम, सेब भी लाए हो, केले भी लाए हो, परमेश्वर सारे फल लेके आयो, एक एक पीस सबका है। अच्छा परमेश्वर आपको आशीष दे। 500 का मुझे दे देना, इसमें से बाकी इनको साइड में रख दो। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करेंगे इस समय। हाँ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऊपर उठाओ। सबकी गवाहियां मैं दे रहा हूँ। हाँ इस समय देख रहे हैं कि आज हम ये देखो, इसने स्पेशल लैंड पर एक राइस बच्ची ने और परमेश्वर ने इसको एक बहुत शानदार घर की आशीष दी है। पूरी बिल्डिंग परमेश्वर ने दे दी। तारीफ करें जोर से। मुझे कहा था कि बता तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। एंड आफ्टर दैट आपने मुझे सपने में कहा था कि मैं तेरे पापा को बहुत ऊंचाइयों में लेके जाने वाला हूँ। एंड फिर हमें इस घर की ब्लेसिंग मिली और जो हमारे सेल आउट नहीं हो पा रहे थे वो भी सेल आउट हुए। एंड हमें उसके बाद इस घर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली, पूरे घर में सबसे बेस्ट घर हमको ही मिला। तारीफ करेंगे जो दिल्ली से आई। और देखो कि बिल्डिंग की आशीष मिल गई। मैं देख रहा हूँ इसी समय, ऊपर करो शाबाश। किसी का फंड रुका हुआ था मिला, किसी की गिल्टियां गई, किसी की रसोलियां गई, ये बच्चे ने फर्स्ट। आजा फटाफट आईलेट्स में 7 बैंड आए इस बच्ची के। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। शाबाश, इनाम भी लेकर आइए। और बहुत सारे लोगों की मिराकल मनी गुप्त प्रॉब्लम गई। आइए सब सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। अपने हाथों को उठाओ शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा दया वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ इन सब के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज यूएसए ब्रांच में एक जगह न्यू ब्रांच ओपन हो रही है यूएसए में। जोर से तारीफ करो शाबाश। हाँ 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 शाबाश शाबाश शाबाश। अपने हाथों को उठाओ सब लोग, अपने सिर पे हाथ रखें। यूएसए ब्रांच आपके लिए दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ यूएसए ब्रांच अपने हाथों को उठाओ शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, यूएसए में जो लोग इस समय पवित्र आत्मा नई ब्रांच नए एड्रेस पर मेरे प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा खड़े हैं यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा इसी समय छुए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक बात कहनी है मुझे यूएसए ब्रांच वालों आपके लिए, क्या आप खुश हैं? हालेलुया। सुनना ध्यान से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ नाम मैं देख रहा हूँ, 4 तरह के नाम है, GRSMPN, ये 4 नाम वाले लोग
बहुत तरक्की करेंगे आपकी ब्रांच में, यीशु मसीह के नाम में। और सुनना है, लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूं कि शैतान किसी आर नाम वाले को यूज कर रहा है, सुन रहे हो? और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे ब्रांच की बुराई करने वाला जिंदा नहीं रहता, याद रखना। मैं शराब नहीं दे रहा हूं, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बोला है, और मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। तीन काम होंगे उसके साथ, डिवोर्स हो जाएगा, दूसरा यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाएगा, मैंने ड्रीम्स में देखा है। मैं रोता हूं आपके लिए बैठ बैठ कर, लेकिन जब आप बुराई करते हैं तो मुझे यहां पर चोट लगती है। मैं प्रोफेट हूं, आप जाए रसोई में भी बात करोगे वो भी प्रभु मुझे बताएगा। अगर नहीं पता अलीशा का चैप्टर पढ़ो, आपको ब्रांच के बारे में बोल रहा हूं। कोई फोन, कोई भी, कोई चर्च में कोई है जो आपको गुमराह करने के लिए शैतान ने भेजा है, सावधान, याद रखना। ये परमेश्वर ने मुझे कहा, और मुझे प्रभु ने बोला कि जितने लोगों का मैं चेहरा देख रहा हूं, अब सिर पे हाथ रख लो और आप देख लेना 3.5 महीने के बाद आपका फाइनेंस और आपके बच्चे जो पटड़ी से उतर चुके हैं यीशु मसीह से, जो वर्शिप नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, आपको बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा, आपके काम बढ़ेंगे और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर कोई औरत आपके सामने बुराई करे, मैं पूरे चर्च चंडीगढ़ को भी बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरे चर्च में बैठकर मेरी बुराई कर रहा है, उसी समय उसको स्टॉप कर देना, नहीं तो बाइबल बोलती है कि पलटा लेने वाला परमेश्वर उसके घर पहुंच जाएगा अगले दिन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के लोगों, कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे को शौक नहीं है, मैंने देखो यूएसए में मैं इनसे पैसे नहीं मांगता हूं किसी से, ना मुझे आपसे पैसा चाहिए, ना मैं मांगने जाता न्यूजीलैंड कनाडा पनाडा, मैं नहीं मांगता किसी से, मेरे लिए इंडिया ही बहुत है। सारे बोला हालेलुया। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब लोग वहाँ पर एक बंदे के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे लोग प्रॉब्लम में जाते हैं, पांचों की नियत बराबर नहीं होती। लेकिन बाइबल में लिखा, भजन संहिता 34 पढ़ लेना घर जाके, उसमें क्लियर लिखा, बुराई करने वाले से परमेश्वर विमुख हो जाता है। विमुख मतलब बहुत दूर चला जाता है। कितनी दूर? जितनी दूर आसमान है इससे भी दूर। वो सुनता नहीं है, बुराई करने वालों के साथ परमेश्वर चलता नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज रात भजन संहिता 32 उसके 34 उसका 13-14 आयात पढ़कर देखना, परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या लिखा उसके अंदर। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दें, अपने हाथों में एक बेस्ट बीज पकड़ें, जो जिसकी बीमारी नहीं जा रही, जो रिपोर्ट करा रहा है और बीमारी नहीं जा रही, पैरालाइज नहीं जा रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत दिन से बीमार है और उसकी बीमारी नहीं जा रही है। कोई हो सकता है आपको गैस एसिडिटी हो, इन्फेक्शन हो, या फिर आप दवाई खा रहे हो, आप चाहते हैं कल सुबह आप 500 रुपये की दवाई लेकर आएँ, आप खा रहे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं टांग दर्द की, कमर दर्द की, आपके चश्मे की प्रॉब्लम, कुछ भी होगा, आप एक बेस्ट बीज पकड़ लो, क्योंकि मैं इस प्रेयर से आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर आज से इनका पैसा